कोयलाज, KOALAS। कभी टेडी बियर देखा है? छोटा सा डोगी की फोटो, वो कोयलाज से मैच करती है, एकदम क्यूट बेबी है। और साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री है कि ये यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है फिर भी जीवित कैसे है, क्योंकि यूकेलिप्टस में कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है और वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी पर शोध पत्र आया था जुलाई में, उस कारण ये कोयला जो है न्यूज में है। ये केवल यूकेलिप्टस का ही नहीं, बल्कि जो इनकी पेरेंटल जो प्रक्रिया है, जिस तरह ये अपने बच्चों को रखते हैं और जिस तरह उनमें वो रिलेशन होता है, उसके कारण भी ये चर्चित रहते हैं। मुख्यतः ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो यहां से तुम्हारा अगर क्वेश्चन पूछता है यूकेलिप्टस से क्या टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा कहीं बन सकता है। यूकेलिप्टस मतलब सफेदे का पेड़, और इसकी बहुत सी वेराइटीज हैं। और सफेदा जो है वो भारत में जो है इंडिजिनस नहीं है, यहाँ का देशज नहीं है, बल्कि कहीं और से लाया गया है। और इसको हमने, हमारा जो कृषि वानिकी कार्यक्रम था, एग्रोफोरेस्ट्री कार्यक्रम, क्योंकि हमें टारगेट मीट करने थे। ब्यूरोक्रेसी हमारे का माइंडसेट क्या है, कुछ हो ना हो टारगेट करके पूरा दिखाना है, उसी में ये लगाए गए थे। ये पौधे ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन करते हैं और स्थानीय पारिस्थिति के लिए खतरा भी है। ठीक है, लिखो इनके बारे में। कोयलाज, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और वैज्ञानिकों के लिए, उनकी खाद्य आदतों के कारण, एक गुत्थी बने हुए हैं। जहां वो यूकेलिप्टस ब्रैकेट में सफेदे का पेड़ की पत्तियां खाते हैं, जबकि जबकि अधिकांश जानवरों के लिए ये पत्तियां विषैली होती है। वैज्ञानिकों ने इनमें एक जीन P450 का पता लगाया है। P450 का पता लगाया है जो जो सफेदे की पत्तियों को अविषाक्त कर देता है। ये जानवर अपने बच्चों की देखभाल
के लिए भी, अपने बच्चों की देखभाल के लिए भी जाने जाते हैं। अपने ये जानवर अपने बच्चों की देखभाल के लिए भी जाने जाते हैं। और आयुषियन के अनुसार वल्नरेबल हैं। यहां से तुम्हें यह याद रखना है, यूकेलिप्टस की पत्तियां विषैली होती है अधिकांश जानवरों के लिए, और कोयला जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह मिलते हैं, क्यूट बेबी पेरेंटल, और ये वल्नरेबल है। बस इतना ही याद रखना है।